हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। आज भी इस लेक्चर में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, राइट? इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ही बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स है जिसे हम शिफ्ट ऑपरेटर्स कहते हैं वो रह गया था। तो जो शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और जो दूसरा होता है हमारे पास दैट इज राइट शिफ्ट, राइट? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं वो वर्क किस तरीके से करते हैं, फिर क्योंकि हम बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर हम लोग इसको बिट लेवल पर भी वेरीफाई कर देखेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग एंगुलर ब्रैकेट यानी कि डबल एंगुलर ब्रैकेट्स के थ्रू जो है वो डिनोट करते हैं, ठीक है? और हम इसको जो इंटीजर वैल्यूज होते हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 को लेफ्ट शिफ्ट किया 2 times, राइट? तो हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर आता है 40, ठीक है? अब यहां पर एक्चुअली ये तो इवैल्यूएट होकर हम लोगों ने शेल पर आंसर देख लिया, लेकिन ये 10 और लेफ्ट शिफ्ट एक्चुअली वर्क किस तरीके से करता है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे गूगल डॉक्स पर, राइट? तो यहां पर मैं आपको बताती हूं कि मैंने यहां पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म किया और जो स्टेप मैंने परफॉर्म किया यानी कि जो मेरी एक्सप्रेशन थी दैट वॉज दिस एंड आई गॉट 40 एज माई आंसर, राइट? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कन्वर्ट 10 इंटू डेसिमल, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, राइट? तो मैं यहां पर एक टेबल बनाती हूं जिस टेबल के अंदर 8 सेल्स हैं। Why? बिकॉज हम 8 बिट्स के बाइनरी नंबर पे वर्क कर रहे हैं। जो लेफ्ट मोस्ट पोर्शन है वहां पे मैंने L से डिनोट करा और जो मेरे पास राइट मोस्ट पोर्शन है उसको मैं R से डिनोट करती हूँ, ठीक है? एंड हियर आई शैल बी राइटिंग द बाइनरी फॉर्म ऑफ 10 विच इज नथिंग बट 0 0 0 0 1 0 1 0. Now this is the binary of 10. Now I need to perform left shift, right? तो ये जो left वाला portion है by 2, left shift by 2. तो जहां पे मैंने L लिखा है वहां पर ले जाकर मैं एक काम करती हूँ, इसको highlight भी कर देती हूँ और इसके text का color भी change कर देती हूँ, राइट? तो ये जो मेरे पास values हैं left वाली by 2, मैंने इसको क्या किया, हाईलाइट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 2, राइट? अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आई नीड वन मोर टेबल ऑफ सेम 8 बिट्स। तो एक और मैंने यहाँ पे ये टेबल बना ली 8 बिट्स की, ठीक है? अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन, ठीक है? तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी कॉपिंग दिस पर्टिकुलर पोर्शन, जो बचे हुए मेरा बाइनरी है उसे मैं यहां से कॉपी करती हूं, और बिकॉज दिस इज लेफ्ट शिफ्ट तो ये जो यहां पर लेट मी जस्ट हाईलाइटेड विद डिफरेंट कलर, राइट? सो ये जो मेरा ये येलो कलर वाला पोर्शन है इसको मैं यहां से कॉपी करके लेफ्ट में शिफ्ट कर देती हूँ बाय 2 पोजिशन, राइट? तो ये मैंने क्या किया, इसको By 2 position मैंने यहां पर shift कर दिया, तो इसे यहां से delete कर दिया हमने, red means deleted, right? अब बचे हमारे पास ये दो portions, right? These 2 portions are left. Now these portions will be filled with zeros. इसे हम क्या करेंगे, zero से fill up कर देंगे। अब यहां पर check करते हैं कि ये जो मेरे पास आया, now this is the answer which I got by left shifting 10 by 2. Now, is it the binary of 40? अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर मेरे को यहां पर मिला है ये 40 का बाइनरी है। तो मैं अपने IDLE पर वापस जाती हूं, मैं अपने बिन फंक्शन का यूज करती हूं और लेट मी चेक कि 40 का बाइनरी क्या है। 40 का बाइनरी है 101000. Now, this is the binary of 40. I will be copying it, getting back to my
books and let me check. So this is 101 and 000. Yes, now this is nothing but the binary of 40. तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है. एक काम करते हैं, 10 को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाय 3. आंसर इज 80. जल्दी से देखते हैं क्या हम इसको भी वेरीफाई कर पाते हैं. राइट, तो वापस आते हैं, एक फिर से टेबल इंसर्ट करते हैं 8 साइज की. वेरी सिंपल, दिस टाइम दीज 3. नाउ दिस टाइम हम 3 बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ ऑरेंज से और इसका कलर कर देते हैं रेड. इसका मतलब हमें इसे भी कंसिडर नहीं करना है. तो पूरा का पूरा इसको कॉपी करते हैं राइट, और बिल्कुल लेफ्ट पोजिशन से पेस्ट कर देते हैं, और लास्ट में हमारे पास जो भी डेटा बचता है उसमें हम लोग 0 लिख देते हैं राइट. तो वी गॉट दिस बाय लेफ्ट शिफ्टिंग 10 बाय 3. तो एक काम करते हैं, लेट अस चेक व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 80. Right, and the binary of 80 is 101, और last में this is 4 times zeros. तो इसे copy करते हैं and let us check is it correct or not. तो yes, it is 101 and then 4 times 0. तो ये था हमारा left shift operator. Right? अब हम लोग एक काम करते हैं, check करते हैं right shift operator क्या होता है. I will be using these same decimal values. The sign which we use is exactly opposite of your right left shift. तो जो left shift का sign है उससे उल्टा sign है. तो अभी मैं 10 को right shift कर रही हूँ by 2 and answer I am getting as 2 only. Right? तो अगर मैंने 10 को right shift करा by 2, मेरे को 2 value मिली. Binary पे जाके अब इसको verify कर देखते हैं. तो हम यहाँ पर आते हैं, here I will be performing right shift. And the expression was right shift by 2. Answer I got as 2. Right? तो अब check करते हैं कि इसके अंदर actually हमें क्या changes करने के लिए मिलते हैं. Again the same thing I will be doing. I will be inserting a table over here. और 8 bit का table ले लिया. जो right, जो left side पे L लिखा, ताकि मेरे को समझ में आए कि I am dealing with the right side or the left side. और मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका R, ठीक है. अब आगे यहाँ पे मेरे को करना है 10 का बाइनरी, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन 10, राइट. तो 1010, ठीक है. तो मैंने क्या करा, 10 का बाइनरी ले लिया राइट. अब बिकॉज यहां पर क्या है, देखिए यहां जब हमने वर्क करा था तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग डील कर रहे थे. अब यहां पर हम लोग राइट शिफ्ट की बात कर रहे हैं बाय 2. तो अब एक काम करते हैं, इसे यहां पर हाईलाइट कर देते हैं विद अ डिफरेंट कलर एंड इसे रेड कर देते हैं. दैट मीन्स इस दिस टाइम वी विल बी डिलीटिंग द राइट साइड वाली 2 वैल्यूज, बिकॉज द वैल्यू इज 2 ओवर हियर राइट. तो इसे हमने यहां से हटा दिया. अब एक काम करते हैं, फिर से टेबल इंसर्ट करते हैं बिकॉज अब आंसर लेकर आना है हमें. एंड अगेन आई विल बी टेकिंग 8 बिट्स. अब क्या करना है, ये जो मेरा पोर्शन है, दिस पोर्शन आई विल अगेन हाईलाइट इट, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं. और इसको यहां से कॉपी कर लेना है राइट, ये जो बचा हुआ पोर्शन है. एंड दिस टाइम मूव इट ऑन द राइट हैंड साइड, और इसको उठाकर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना है राइट. तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, शिफ्टिंग राइट साइड. तो जब हम लोग 2 स्टेप राइट की तरफ बढ़ गए तो ये 2 जो हैं वो यहां से हट गए, और जो भी चीज हमारे पास एम्प्टी रह जाती है उसे हम फिल कर देते हैं 0 के साथ. और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आपकी स्क्रीन पर है, दिस इज नथिंग बट द बाइनरी ऑफ 2, ठीक है. वेरीफाई भी कर लेते हैं. तो अगर हम लोग देखते हैं, द बाइनरी ऑफ 2 इज नथिंग बट एंड में 10, और हियर वी आर गेटिंग 10. एक बार दोबारा से देख लेते हैं, अगर मेरे को राइट शिफ्ट कर देना है बाय 3, द आंसर इज 1, ठीक है. अब वेरीफाई करते हैं इसको भी. अगर हम यहाँ पे 1 से इसको शिफ्ट करते हैं तो दिस टाइम 3 शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी जो है राइट साइड से 3 वैल्यूज जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी. तो राइट साइड से अगर मैंने 3 वैल्यू शिफ्ट कर दी, तो अब की बार जब मैं ये नया टेबल इंसर्ट करती हूँ यहाँ पर, इफ आई इंसर्ट अ न्यू टेबल विद
size 8, and this time we are, you know, actually shifting it by 3 position. तो अब इसको जो बचे हुए को है कॉपी करते हैं और ये 3 छोड़ देते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग टूवर्ड्स द राइट साइड बाय 3, राइट? इसको छोड़ देते हैं एंड वी फिल इट विद जीरोस, राइट? तो हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 1. दैट मीन्स कि अगर राइट शिफ्ट किया बाय 3 तो हमें जो वैल्यू मिलती है बाइनरी में वो 1 मिलती है, राइट? सो दैट वॉज एक्चुअली हाउ वी वर्क ऑन द राइट शिफ्ट एंड द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इन बिटवाइज ऑपरेशंस. आई होप आपको बिटवाइज ऑपरेशन में शिफ्ट ऑपरेशन समझ में आए होंगे. बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.